ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान, हमारी पहचान। बहुजन समाज पार्टी ने पुष्पेंद्र सिंह को 236 चित्रकूट विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पुष्पेंद्र सिंह को राजनीति के क्षेत्र का काफी लंबा अनुभव है और वह काफी समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। उन्होंने सन 2012 में कांग्रेस के टिकट पर चित्रकूट विधानसभा से चुनाव लड़ा था। पुष्पेंद्र सिंह अपनी व्यवहार कुशलता और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। जो कहता हूँ वह करता हूँ, उनका बोध वाक्य है। जिस दिन से बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, उसी दिन से अन्य राजनीतिक दलों के सामने इस विधानसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशी तय करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने की मजबूरी पैदा हो गई है। उन्हें जाति समीकरण भी नए सिरे से बिठाने पड़ रहे हैं। बसपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह ने बहुजन समाज पार्टी द्वारा बांदा जिले के अतर्रा कस्बे में हिंदू इंटर कॉलेज में आयोजित मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र की जनसभा में विधानसभा क्षेत्र के वोटरों पर अपनी पकड़ साबित कर दी है। सतीश चंद्र मिश्रा को सुनने के लिए 2 सैकड़ा से अधिक चार पहिया वाहनों और बसों में बैठकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक अतर्रा पहुँचे थे। जहाँ जहाँ से पुष्पेंद्र सिंह का काफिला गुजरता था, लोग इतने बड़े काफिले को देख आश्चर्य में पड़ जाते थे। मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि प्रत्याशी हैं करबी चित्रकूट से, जो अभी आपके बीच में मौजूद हैं, ये करबी से हमारे प्रत्याशी हैं, जिनको की बहन मायती जी ने आशीर्वाद देकर के और आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इनको आपके समक्ष भेजने का काम किया है कि अब की बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बहन मायती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को सुनने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और ठाकुर पुष्पेंद्र सिंह के समर्थकों की भारी भीड़ जमा हुई थी। मैदान में लगाई गई कुर्सियां कम पड़ गईं और हजारों लोग खड़े रहकर सतीश चंद्र मिश्रा का उद्बोधन सुनते रहे। अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप के जरिए हमारी खबरें प्राप्त करने के लिए 9415124133 नंबर को अपने मोबाइल में सेव करने के बाद BNI लिखकर हमें व्हाट्सएप करें।